डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लास 12th अंग्रेजी का क्लास है। कल की वीडियो में हम लोगों ने पहली पोएम पढ़ा था, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। 3 स्टैंजा पढ़ा था, 2 स्टैंजा बचा हुआ था। आज उसके आगे के हम लोग पढ़ते हैं कि पोएट ने बताया था कि अपने लाइफ को किस तरह से हैप्पी बना सकते हो, है ना। अपने कैरेक्टर को कैसे बनाओ या अपने अंदर कौन सी क्वालिटी कल्टिवेट करो कि जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में सुख हो, खुशियाँ हों। तो कुछ ऐसी बातें हम लोगों ने कल पढ़ा था, कुछ यानी ऐसी क्वालिटी थी, ऐसा वर्चुअस थे जिसको अपने अंदर लाना चाहिए आदमी को, अगर वो एक सुखी ज़िंदगी चाहता हो तो। आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं पोएट, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। एक हैप्पी मैन जो होता है, बताया कि एक हैप्पी मैन वो होता है जो सारी खूबियाँ रखने के बाद भी गॉड को कभी नहीं भूलता है, जो सुपर पावर है, जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है, जिसके हाथ में सब कुछ है। तो कहा कि वो लेट एंड अर्ली प्रे, लेट का मतलब होता है देर में यानी सोने से पहले, और अर्ली मतलब एकदम सवेरे उठने के बाद, कि जो आदमी जो है वो ईश्वर की इबादत करता है, गॉड की इबादत करता है, उसकी पूजा करता है। और वो भी इबादत या पूजा भी दो तरह से होती है, एक तो ये कि जब ज़रूरत पड़ी तब तो गॉड याद आ गया, और जब ज़रूरत निकल गई, जैसे किसी कवि ने कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, जब दुख पड़ा तो सुमरन करने लगे, गॉड की याद आने लगी, और सुख में करे न कोई, लेकिन सुख में किसी को नहीं याद आती है। पोएट ने कहा भी कि जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। तो वही ये कह रहा है कि जो गॉड की इबादत होनी चाहिए, वो इबादत कैसे होनी चाहिए, मोर ऑफ एग्जीरेस दैन गिफ्ट टू लेंड। इस लालच में नहीं होनी चाहिए कि उससे कुछ लेना है, पाना है। जब ज़रूरत हुई, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बच्चे जो है पूजा पाठ में जुट जाते हैं, गॉड को याद करने लगते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं, और जब एग्ज़ाम ख़त्म, रिजल्ट आ गया तो सब खत्म, मंदिर मस्जिद सब भूल गया आदमी। तो वो ये नहीं कहा कि दैन गिफ्ट टू लेंड, तो उससे किसी गिफ्ट को पाने के किसी लालच में नहीं, बल्कि ग्रेस, उस ईश्वर की कृपा के लिए, उस कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, बस सिर्फ इतनी चाहत से कि ये हमारी ड्यूटी है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रे अवर गॉड कि हु हैज़ गिवन अस लाइफ, जिसने जो है हमको क्या दिया है, कि हमारी ड्यूटी है कि हम गॉड की पूजा करें, गॉड की इबादत करें, जिसने हमको ये ज़िंदगी दिया है, जिसने हमको इतने सारे गिफ्ट दिए, हमारे हाथ पैर नाक कान सब, इतने ज़्यादा इतने प्रीशियस गिफ्ट दिए हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें। तो इस सोच के साथ में जो इंसान गॉड की इबादत करता है, वो आदमी हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है, सुखी रहता है। और अगर मान लो कि लालच में कर रहा है, तो अगर उसकी लालच पूरी नहीं हो रही है, उसकी दुआएं पूरी नहीं हो रही है, तो उसका मन हटने लगता है कि यार रोज़ जाते हैं, यार रोज़ जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन दुआएं नहीं हो कबूल हो रही है, जो चीज़ मांग रहे हैं मिल ही नहीं रहा, तो लालच में कर रहे हो, तो लालच में नहीं। तो इबादत ऐसी होनी चाहिए कि जो बेलाउस एकदम हो। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। और जब एक हैप्पी मैन को बताया कि जब वो फ्री टाइम उसके पास होता है, हार्मलेस डे मतलब बताया, हार्मलेस का मतलब ऐसा दिन जो कोई नुकसान वाला ना हो, कोई क्षति वाला ना, एकदम फ्री, फुर्सत का टाइम। जब इंसान के पास फ्री टाइम होता है तो आदमी दो ही चीज़, मतलब कुछ अपने घर के कामों में अपना वक्त बिताता है या अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता है। तो पोएट क्या बताता है कि एक जो हैप्पी मैन होता है वो अपने खाली टाइम को किसके साथ में बिताता है, फ्रेंड, दोस्त के साथ में, या वेल चूजन बुक, या बहुत वेल चूजन मतलब खुद सोच समझ के सेलेक्ट की गई किताबों के साथ में अपनी ज़िंदगी को जो बिताता है, ऐसा आदमी जो है अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होता है, बहुत सुखी होता है, बहुत खुश होता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद आगे बताता है कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा आदमी, दिस मैन, ये आदमी जो है इज़ फ्री माने आज़ाद होता है, सर्वाइल का मतलब होता है यानी गुलामी, और बैंड माने बंधन, हर गुलामी के बंधन से आज़ाद होता है, किसी का बंधुआ किसी का गुलाम नहीं होता, ऐसा आदमी एकदम स्वतंत्र होता है। किस चीज़ के बंधन से आज़ाद होता है, गुलामी का, यानी एक बंधन बता रहा है आगे, ऑफ होप टू राइज, इंसान को ज़िंदगी में उम्मीद होती है आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, या फियर माने डर होता है फॉल, नीचे आने की, नाकामी की, तो यानी वो सफलता की उम्मीद और असफलता के डर, इन दोनों बंधनों से एकदम मुक्त होता है, फ्री होता है, उसको ज़िंदगी का असली मज़ा लेता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक होता है, अपने आप का खुद मालिक हो जाता है वो। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हो सकता है कि उसके पास ज़मीन ना हो, जायदाद ना हो, बहुत प्रॉपर्टी ना हो, पैसा ना हो, लेकिन फिर भी हैविंग नथिंग, फिर भी कुछ ना होने के बावजूद ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। सब कुछ इसलिए होता है कि उसकी लाइफ कैसे होती है, हैप्पी लाइफ होती है, सुख होता है उसकी ज़िंदगी में, इसलिए कुछ ना होने के बावजूद उसके पास सब कुछ होता है। तो ये हम लोगों ने जो पहली पोएम थी हेनरी बॉटन की, पहली पोएम को हम लोगों ने कम्प्लीट किया। अब उसके बाद कल के भी वीडियो में हम लोग सेकेंड पोएम भी पढ़ेंगे, तो क्योंकि पोएम में थोड़ा सा कुछ हो जाए, 7 पोएम पढ़ना है, 3 पोएम इसमें से निकाली गई है, तो आगे की दूसरी पोएम अब हम लोग कल पढ़ेंगे।